हरे कृष्णा राधे राधे। परमा एकादशी कब है? तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को परमा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। प्रत्येक माह की एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और हर महीने की एकादशी को एक अलग नाम दिया गया है जो कि उसकी महिमा व महत्व को दर्शाता है। पंचांग के अनुसार अभी अधिक मास चल रहा है और इस दौरान आने वाले सभी व्रत व त्योहारों को एक खास महत्व होता है क्योंकि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और इस दौरान आने वाले व्रत व महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अन्य एकादशी की तरह अधिक मास में भी एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस महीने की एकादशी का परमा एकादशी नाम दिया गया है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और यदि वह अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो उनकी सभी दुख दूर करते हैं। आइए जानते हैं कब है परमा अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार यह तिथि 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 पर शुरू होगी और इसका समापन 12 अगस्त 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 11 अगस्त को परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 को रखा जाएगा और इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त पूरे दिन रहेगा। परमा एकादशी का महत्व क्या है? हिंदू धर्म के प्रत्येक एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को यदि विधि विधान से रखा जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के कष्ट दूर करते हैं। इसके साथ ही व्रत रखने से जातकों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए दान का भी विशेष महत्व माना गया है और व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परमा एकादशी के दिन अन्नदान, भूमिदान, गौदान और विद्यादान का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के घर वास करती हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा।